धर्मांतरण को नहीं हुई राजी तो दिलशाद ने अनुसूचित जाति की छात्रा की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ बलात्कार और बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दिलशाद ने पहले छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। दिलशाद सिलाई का काम करता था, छात्रा वहां कपड़ा सिलाने आती थी। एक दिन कपड़े की फिटिंग और डिजाइन पूछने के बहाने छात्रा का मोबाइल नंबर ले लिया। किसी ना किसी बहाने उसे कॉल करने लगा और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस बीच लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। दिलशाद उस पर धर्म बदल कर निकाह करने का दबाव बना रहा था। लड़की इनकार कर रही थी। आखिरी बार धोखे से मिलने के लिए बुलाकर पहले उसने बलात्कार किया और उसके बाद चाकू से गला रेत दिया। पुलिस ने हत्यारे दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना नीमगांव थाना क्षेत्र के बेजहम कस्बे की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार मदरसा बोर्ड के मेधावियों का सम्मान करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश बोर्ड की तर्ज पर पहली बार मदरसा बोर्ड के मेधावी छात्र और छात्राओं का भी सम्मान करने जा रही है। प्रदेश सरकार इसके टॉपरों को 1-1 लाख रुपए, टैबलेट व प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगी। साथ ही मॉडर्न विषय गणित विज्ञान व कंप्यूटर के 3-3 टॉपरों को भी 51-51 हजार रुपए व टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार के शुरू होने से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के छात्र छात्राओं में भी प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी। पुलिस ने पकड़ा गोवंश से लदा ट्रक 3 गिरफ्तार। कल्याणपुर पुलिस ने हाईवे पर बड़ौरी टोल प्लाजा के पास से बुधवार को गोवंश से लदा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक में 21 गोवंश लदे थे जो सब्जियों की पेटियों के बीच छिपाए गए थे। ट्रक चालक समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गोवंश इटावा से लादे गए थे जिन्हें काटने के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। थाना अध्यक्ष अनूप सिंह टोल प्लाजा पर नाकाबंदी पर वाहन चेकिंग कर रहे थे तभी ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने कौशाम्बी निवासी मोहम्मद गौस कुरैशी, शिव कुमार जाटव व मोहम्मद सद्दाम निवासी थाना मंजनपुर कौशाम्बी को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ताबड़तोड़ फायरिंग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बुधवार देर शाम 1.5 दर्जन बाहरी युवकों ने एक छात्र से मारपीट कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरएम हॉल के बाहर युवकों द्वारा चलाई गई गोलियों से विद्यार्थी, गेटकीपर व अन्य लोग बाल बाल बचे। गोलियों की तड़तड़ाहट से हॉल के बाहर भीड़ इकट्ठा होते देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कैंपस में फायरिंग से एक बार फिर छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। थाना सिविल लाइन में बदमाशों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई है। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।